हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हरिशाव अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हमने जो है पिछले वीडियो में आपको ब्लूप्रिंट की पूरी जानकारी दे रखी थी, जिसको आप देख कर आए ही होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो फिर से आप जाइए चैनल में फिर से देख लीजिए। मतलब भाई, जो नहीं देखे उसके लिए है, जो आप देख लिए हैं तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ब्लूप्रिंट के बारे में आपको जानकारी लेना है तो हमारे चैनल में जाइए और हमारे वीडियो देखकर आ जाइए फिर से। तो चलो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और नया टॉपिक पर। हमारा आज का क्या टॉपिक है सर? हमारा टॉपिक है कि कैसे स्ट्रेटजी बनाए कि आपका जो दसवीं जो विज्ञान है उसको एक महीने में आप अच्छे से पढ़ें। मतलब जो एक महीने का हमारा जो स्ट्रेटजी है उसको कैसे अच्छे तरीके से डील करेंगे आपको, और क्या है और कैसे पढ़ना है और कैसे सिक्वेंस चलना है, उस पर चर्चा करने वाले बच्चों। हमारा जो स्ट्रेटजी है कि आप जो है हमसे जुड़े हुए हैं और एक महीने में आपको हम दे रहे हैं रिजल्ट अच्छे से, जिसकी जिम्मेदारी जो है आपने हमें दिया हुआ है और हम लिए हुए हैं, है ना। तो यूं कहा जा सकता है कि हम जिस जिम्मेदारी के लिए आए हैं और जिसे जी जान मेहनत करके हम जो है आपके लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि उसको अच्छे से कैसे डील करेंगे आपसे और क्या हमारा क्या स्ट्रेटजी है इस एक महीने में, उसका आज चर्चा करने वाले बच्चों। और कौन सा क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर, इस पर भी चर्चा करेंगे कि कितना जोर देना है और कितना आपको पढ़ना है और किस सिक्वेंस से हम चलेंगे, हमारा जो एक महीने का जो सफर है वो कैसे चलेगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो, देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं क्या हमारी स्ट्रेटजी जो प्लानिंग है उस पर चर्चा करना। तो बच्चों, एक चीज तो आपको पता ही होगा, स्ट्रेटजी मतलब क्या होती है? रणनीति। तो भाई, रणनीति जो है क्यों जरूरी है? कोई भी चीज नया चालू करो, या फिर यू कहा जा सकता है कि कुछ बड़े से जंग लड़ना हो या फिर युद्ध वर्ल्ड वार में भी जाना हो, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है रणनीति, है ना। रणनीति बनाना, स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो क्रिकेट के मैदान हो, चाहे वो वर्ल्ड वार 3 की बात नहीं करता, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1 की बात करता हूं मैं, उसमें भी रणनीति बनाया होगा। तो हर छोटे बड़े चीजों के लिए अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो वो होती है स्ट्रेटजी की। तो हम भी स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं कि हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा इस आने वाले एक सफर में, एक महीने के सफर में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि विज्ञान की शाखा है। हम जो है विज्ञान की शाखा कितना पढ़ते हैं हमारे इस 10th क्लास में? 3 शाखा में बांटे हुए विज्ञान को। कौन कौन से सर? भाई, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र, देखिए, और आपका जीव विज्ञान, 3 भागों में बांटा हुआ है। तो शुरुआत हम करेंगे रसायन शास्त्र से, जो कि हमारा प्रिय है। कैसे बच्चों? जो कि आपका प्रिय होगा, हमारा भी प्रिय होगा, सबको प्रिय होगा। क्यों? इतने मजेदार तरीके से पढ़ेंगे ना भाई, तो मजा तो आएगा ही आएगा। तो मैं बात करूं रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान की, तो हम जो है तीनों में कितने कितने नंबर डिवाइड किए हैं सर? हमारा जो बोर्ड ऑफिस है वो कितने डिवाइड किया है? वो डिवाइड किया है 24 नंबर। देखो, 24 नंबर डाल दिया है रसायन में, और आपको देखो 26 नंबर आ रहा है भौतिकी में, और जीव विज्ञान में आ रहा है 25 नंबर। मतलब ये तीनों मिलाकर आपको जो 75 अंक दे रहा है सर, कितना अंक दे रहा है? 75 अंक। जो 75 अंक मिलेगा वो आपको मिलेगा कहां? इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, 75 अंक। कैसे सर? 24 नंबर रसायन शास्त्र, भौतिकी से 26 नंबर, जीव विज्ञान से 25 नंबर, जिसके बारे में ब्लू प्रिंट में बात कर दिया था। अब मैं बात किया था उस चीज को, अब मैं आके फिर इसमें टिक गया। तो भाई, 24 नंबर मिल रहा है रसायन में, तो कंप्लीट ये यूनिट से देता होगा। हाँ भाई, उस पर बात कर लिया था सर। तो कैसे करना है और कैसे शुरुआत करेंगे, तो चलो उसका शुभारंभ किया जाए। तो भाई, हम शुभारंभ करेंगे रसायन के बारे में। तो रसायन में हम जो है 3 यूनिट में बांटे हुए हैं। कौन कौन से यूनिट सर? पहला यूनिट अम्ल, क्षार और लवण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिससे आ रहा है 8 नंबर का प्रश्न। अब शुरुआत भी हम इसी से करेंगे, जो चैप्टर वाइज जब चलेंगे एनालिसिस करना, चैप्टर वाइज चलेंगे पीआईक्यू करना और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चलना करेंगे, तो हम शुरुआत भी इसी से करेंगे और अंत करेंगे कहां? बायो में अंत करेंगे, जीव विज्ञान में अंत करेंगे। अब यूनिट फर्स्ट जो है अम्ल, क्षार और लवण, जिसका चैप्टर नंबर कितना है बच्चों? चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर नंबर ये क्या है? 4 है। आपके जो बोर्ड है उसमें, बोर्ड जो बुक दिया है उसमें चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 4। कंफ्यूज नहीं होने का, यूनिट मतलब क्या होता है बच्चों? इकाई। क्लियर? हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, अब ये जो है आपको इकट्ठा कितने नंबर देगा? 8 नंबर का देगा, और 8 नंबर में कितना कितना प्रश्न, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसके बारे में ब्लूप्रिंट ने बताया था, उसको लेके मैं फिर बताऊंगा आपको, फिर से उस चीज को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा और बताऊंगा कि आपको कैसे 4 नंबर क्वेश्चन पे ही एनालिसिस करना है और कैसे उस पर लेके चलना है और कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्लियर हुआ? अब मैं बात कर रहा था क्या, यूनिट 2 के बारे में। अब इसमें क्या होता है? धातु एवं धातु कर्म और अधातुओं का रसायन, ये जो इकट्ठा 8 नंबर ये भी दे रहा है, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त यूनिट है। क्या
धातु धातु कर्म और धातु के रसायन, इसको आप जो है आज पढ़ रहे हो और आने वाले दिन में भी पढ़ोगे। और बच्चों इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आती है कंपटीशन में भी, कंपटीशन में भी आती है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो क्यों इस पे आप माइंड नहीं लगाओगे भाई, मतलब माइंड लगाना है आपको और इसको समझना है और हम समझाएंगे भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपको इस पर फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर मैं बात करता हूँ यूनिट 3 की, तो आपको मिलेगा दैनिक जीवन में रसायन जो आप डेली यूज कैसे करते हो और हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न। ये जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर जो कि आपके 17 और 18 नंबर में है, इसमें सॉरी 16 और 17 नंबर में जो है उसमें अब मैं बात करूं तो ये जो ज्यादा क्वेश्चन जो है किससे आती है, हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न से एक दो क्वेश्चन दे देगा 2 नंबर का और दैनिक जीवन में रसायन से 4 नंबर का प्रश्न दे देता है, बहुलक के बारे में पूछ देता है। तो भाई इस पर विचार करने वाला हूं मैं, आने वाला हूं। तो भाई ये चीज मान लो और ठान लो कि रसायन जो है आपको शुरुआत में हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा मजेदार रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको इकट्ठा ही 24 नंबर दे रहा है, 24 नंबर की शुरुआत जो है आपको रसायन दे ही दे रहा है। अब आपको कितना चाहिए भाई? 24 नंबर अब मिल रहा है सर, मुझे 51 नंबर की जरूरत है। क्यों? आपको 75 में 75 जो लाना है, 75 में 75 लाना है, तो शुरुआत रसायन से करना है। तो चलो हम शुरुआत करेंगे रसायन। तो एक चीज और देख लेते हैं कि सर जो 8 नंबर का प्रश्न आ रहा है यूनिट फर्स्ट में, तो इसको ये कैसे आता होगा, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखो 8 नंबर का जो प्रश्न है यूनिट 1 में, तो उसके लिए बात करूं तो इसमें देखूं कि जो 2 प्रश्न आ रहा है वो 1 नंबर का आएगा बच्चों, ठीक है? 2 प्रश्न जो 1 नंबर का आएगा और जो 2 नंबर का जो है 1 प्रश्न आएगा, मतलब क्या 1 क्वेश्चन 2 नंबर का और 2 क्वेश्चन आ रहा है आपका 1 नंबर का, 2 प्लस 2 कितना हुआ 4। अब डायरेक्ट 4 नंबर का प्रश्न पूछ देगा वो, फिर 4 कितना मिल गया आपको, 8 नंबर मिल गया क्विज वाले यूनिट से, अम्ल क्षार लवण और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का। फिर हम इसमें चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है, इसका शुरुआत हम करेंगे इस वीडियो लेक्चर के बाद। जो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलने वाला है उसमें आपको शुरुआती ही दौर में मिल जाएगा अम्ल क्षार लवण और किसके बारे में, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के क्वेश्चंस पे हम डील करना चालू कर देंगे। फिलहाल हम ये बोल रहे थे कि अब एक देखो, अब ये जो 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न देखो, 2 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, टोटल 8 नंबर मिल रहा है, वो यूनिट 1 से ही मिल रहा है सर। तो मैं कैसे जानूंगा कि अम्ल क्षार और तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से कैसे पूछा जाता है? तो मैं पिछले 8 से 10 साल के जो पीछे में प्रीवियस पेपर देखा, कैसे क्वेश्चन आता है, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन पूछ देता है। कभी क्या पूछ देता है, सेट ए में पूछ दिया कि अम्ल का पीएच मान होता है, फिर पता चलता है सेट बी में पूछ दिया है क्षार का पीएच मान होता है, सेट सी में पूछ दिया उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, फिर ये ऐसे करके एमसीक्यू देता है, फिल इन द ब्लैंक्स देता है, सही विकल्प देता है, उचित संबंध में भी दे देगा प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार, फिर बगल में दे दिया इधर लिख दिया ऑप्शन मोस्ले न्यूलैंड, आपको टिक करना है कहां ले जाओगे जो सही आंसर है। फिर पता चलता है कि धातु का सॉरी ये बोलता है कि अम्ल का गुण धर्म होता है, नीचे में लिख देगा खट्टापन होता है कड़वापन होता है, फिर उसको मिला देना, इस प्रकार वो फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है। फिर 2 नंबर का प्रश्न कैसे पूछ देता है, 2 नंबर का प्रश्न पूछता है कैसे, भोज्य पदार्थों में पाया जाने अम्ल बताओ, नींबू में क्या होती है, इस टाइप से बहुत ही लड्डू टाइप प्रश्न पूछता है कौन, ये वाला यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उससे। फिर 4 नंबर क्वेश्चन जो मजेदार रहती है, ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जब चैप्टर में आएंगे ना तब चलेंगे बच्चों। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया था कि इससे क्वेश्चन कैसे आती है और कैसे चर्चा करना है, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि 4 नंबर का प्रश्न है, इसको हम लोग डील कर लेंगे सर, क्लियर है, ठीक है? अब 8 नंबर का जुगाड़ हो गया आपको, 8 नंबर तो मिल गया किससे, यूनिट फर्स्ट से। अब इस पर कब चर्चा करेंगे सर, नए लेक्चर में, ये भी पता चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट इधर यूनिट 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है भाई। एक चीज ये मिस्टेक हो गया यहाँ कि ये जो दो प्रश्न है, 1 नंबर क्या रहा है, तो 2 नंबर के 1 प्रश्न इसमें नहीं आता बच्चों, ठीक है? क्लियर रखना, 2 नंबर के 1 प्रश्न नहीं आता इससे, सीधा डायरेक्ट आता है 6 नंबर का 1 प्रश्न। तो एक 6 नंबर का प्रश्न आएगा और एक आएगा 2 आएगा क्या क्या 1 1 नंबर का, तो कितना हुआ 6 2 8। अब देखो किस पर ज्यादा जोर देना है आपको, आपको जोड़ देना है यूनिट नंबर 2, क्योंकि 6 नंबर का इकट्ठा क्वेश्चन पूछ दे रहा है। मतलब ये कि अम्ल क्षार और लवण में अगर थोड़ा बहुत ढिलाई कर दिए, अगर भूल रहे हो बार बार या फिर दिक्कत हो रही है आपको कभी भी थोड़ा महसूस हो, लेकिन इसमें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। इसमें किसी भी हाल में एनी हाउ आपको धातु एवं धातु कर्म अधातु को रसायन को पढ़ के ही आना है, बना के ही आना है और अच्छे से करना है। क्यों? हम कराएंगे इसको क्योंकि ये 8 नंबर देता है आपको एक 6 नंबर का प्रश्न पूछ के, ठीक है? एक 6 नंबर का प्रश्न पूछा मतलब बनाना ही है एनी हाउ, क्योंकि इकट्ठे क्वेश्चन में 6 नंबर मिल रहा है, बचे हुए बाकी तो मिल ही जाएगा,
है ना। तो चलो ये समझ में आया, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। कौन सा है आपका यूनिट टू? हाँ हम पढ़ाएंगे भी, जैसे हम धीरे धीरे लेक्चर अब हमारे से बने रहेंगे तो और समझ में आएगा कि कौन सा लेक्चर को कौन से वीडियो को अच्छे से देखना है, ये भी हम बता रहे हैं कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी बता रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है कि अमर छा को नहीं देखना है, उसको भी देखना है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट है। अम्लचार इंपॉर्टेंट है, सरल भी है, लेकिन कभी कभी हो जाए भूल रहे हो, लेकिन उसको नहीं भूलना, उसको भूले भूल जाओ, है ना। लेकिन अगर आपको 75 में 75 लाना है तो भूलना किसी में नहीं है, है ना। 110% रिजल्ट आएगा अगर सबको अच्छे से चलोगे, मेरे बताए हुए जो दिशा निर्देश उसको फॉलो करोगे तो आपको 75 लाने में कोई नहीं रोक सकता बच्चों, क्लियर। अब मैं यूनिट थर्ड की बात करूं तो हमें पढ़ना है दैनिक जीवन में रसायन और हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न बहुलक क्या है, बताओ। ऐसा प्रश्न पूछता है कौन से यूनिट में, आपका थर्ड यूनिट में, तो बहुलक के बारे में बता देना, बहुलक के प्रकार बता देना, ऐसा टाइप क्वेश्चन आता है। 4 नंबर का प्रश्न पूछ देगा एक, और बताओ एक्सप्लेनेशन करो उसके टाइप बता दो, बार बार रिपीट होता है उस प्रश्न, वही सब आने वाला है बच्चों। और 2 प्रश्न आएगा किससे, 2 प्रश्न आएगा एमसीक्यू, वही कि आपको क्या अब पूछ देगा कि बहुलक में संश्लेषित बहुलक का एक उदाहरण है, बता देना भाई जो है उसको। और अब चैप्टर जब करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। फिर मैं बात करता हूं कि 2 नंबर का भी प्रश्न पूछ देता है, तो 2 नंबर का पूछ दे प्रश्न, वो आईपीएससी नाम बताओ, लिख दिया। हम जो हाइड्रोकार्बन का उत्पन्न पढ़ेंगे उसके अंतर्गत में जो आता है क्या आपका आईपीएक नाम, आईपीएससी नाम, वो पूछ दिया। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है किसमें बच्चों, यूनिट थर्ड में। लेकिन आपको ये चीज याद रखना, हम जब सीक्वेंस से चलेंगे बच्चों तो इसको अच्छे से ध्यान देना है आपको, 110% इसकी भी तैयारी करना है, इसकी भी तैयारी करना है, फिर लास्ट में ये बच्चा इसकी तैयारी करना है, क्योंकि ये जो रसायन शास्त्र है वो आपको 24 नंबर दे ही देगा पूरे में पूरा बच्चों, क्लियर। हम चल रहे हैं और सीक्वेंस से चलेंगे। फिर मैं बात करता हूँ भौतिक शास्त्र की, याद है तो समझ में आया होगा कैसे चलना है, कैसे डिस्कस करना है और कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब पता चल गया। और किसको फोकस करना सबसे ज्यादा, इसमें फोकस करना है, फिर इसमें भी चलेंगे, इसमें भी चलेंगे, ये दोनों इसलिए लेके चलेंगे हम लोग सर, क्योंकि ये भी आपको लड्डू क्वेश्चन पूछ के भी आपको नंबर देता है। ये जो है कठिन जरूर लगता है थोड़ा सा, लेकिन एक बार तैयारी करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी बच्चों, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि भौतिक शास्त्र जो है इसमें भी 3 यूनिट है सर। अब कौन कौन से यूनिट है तो मैं बात करूं, उसमें ताप ऊर्जा स्वरूप स्त्रोत और प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन समतल सतह एवं गोली सतह से, और आपका जो आता है विद्युत धारा परिपथ, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। ये टोटल जो 6 चैप्टर है वो 3 यूनिट बनाया हुआ है। इससे कितने कितने प्रश्न आते हैं, 7 नंबर क्या आएगा इस वाले यूनिट से, 10 नंबर क्या आएगा इस वाले यूनिट से, और ये चैप्टर नंबर 3 है उसमें अमिताभ, और ये 18 है बच्चों, जो कि बहुत ही हलवा है, हलवा है, गुलाब जामुन है, ये सब बोल सकते हो, बहुत ही मीठा है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इससे, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आता है, बहुत ही सरल आता है, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से अगर कर लिए एक बार, मतलब पढ़ना बस है बच्चों आपको और हमारे साथ बने रहना है। तो जैसे आप देखोगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको 7 नंबर की मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो 2 चैप्टर देगा। फिर बात आती है ये दोनों यूनिट की, इसमें थोड़ा दिमाग का दही हो सकता है, लेकिन दिमाग की दही को दूर करेगी दीपा मैम। भौतिक शास्त्र का पोर्शन जो है दीपा मैम लेने वाली है, और वो जो है आपको सीक्वेंस वाइज मिल सकता है, बीच बीच में भी मिल सकता है बच्चों। मैं जो डील करूंगा आपको केमिस्ट्री पोर्शन और बायोलॉजी पोर्शन, क्लियर। तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा भौतिक शास्त्र में, मैम अच्छे से डील कर देंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। हाँ तो मैं बात कर रहा था, तो ये कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आता है मैम अच्छे से और डिस्क्राइब कर देगी, लेकिन हम जो बात करते हैं भौतिक शास्त्र के बाद, अब बात करते हैं जीव विज्ञान। अब ये जीव विज्ञान से बहुत नंबर मिलता है, कैसे कैसे सर चर्चा करते हैं। जीवों का विकास चैप्टर नंबर 1 अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक 8 नंबर का प्रश्न आता है इससे, और यूनिट 8 इकाई 8 इससे 3 चैप्टर जो लगा हुआ है बच्चों, कौन कौन सा, पोषण परिवहन श्वसन उत्सर्जन नियंत्रण समन्वय प्रजनन विद्युत और परिवर्धन। ये अकेला ही यूनिट आपको सबसे ज्यादा नंबर देगा, जो बच्चा ये कर लेगा, जो इंसान ये कर लेगा उसको 75 में 75 लाने में कोई नहीं रोकेगा। सर 3 नंबर है कैसे 75 ला देगा भाई, इसको अच्छे से करो, 24 नंबर का रसायन मिल रहा है और आपको जो बचा हुआ कितना, जो आपको 25 से 26 नंबर है वो फिजिक्स में अच्छे से पढ़ के ला दिए, तो आपको 75 75 तो गारंटेड है ना। तो अब मैं बात करता हूँ यूनिट 9 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। अब ये जो आपका 3 यूनिट है बच्चों, ये जो 3 यूनिट दिया गया है उसको आप अच्छे से करेंगे अगर,
एक बार भिड़ना चालू करेंगे और जिसका हम डिस्कस भी करेंगे जब जैसे वीडियो लेक्चर में जाएंगे, पूरा बारी बारी चलेंगे और एक एक क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा कि कैसे धम निम सिरम अंतर बताइए, ऐसा प्रश्न पूछ दिया चार नंबर उसी में मिल गया, है ना। तो मतलब एक रहता है पैटर्न, उसको अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मार्क्स मिलने वाला है इस जीव विज्ञान में बच्चों। अरे मैं तो इसका चैप्टर नंबर नहीं लिख पाया भाई, चैप्टर नंबर देखते हैं कि अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक, ये जो है आपका चैप्टर नंबर क्या है बच्चों, 15 है। और ये जो है कौन सा है, ये जो टोटल यूनिट है वो कौन कौन से है चैप्टर से मिलकर बना हुआ है, 7, 8 और चैप्टर नंबर 14, ये तीनों मिलकर बनाया हुआ है एक यूनिट जो कि आपको दे रहा है कितने नंबर, सबसे ज्यादा नंबर अगर कोई मिल रहा है तो सिर्फ सिर्फ ये यूनिट से मिलेगा 13 नंबर। कौन सा, जिसमें चैप्टर नंबर 7 है, 8 है और 14 नंबर का, जिसमें क्या पता है बच्चों, आपको तो पता ही है पोषण परिवहन श्वसन उत्सर्जन ये भी चैप्टर, नियंत्रण या समन्वयन प्रजनन विद्या और परिवर्धन, इससे जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो आपको गारंटेड है आपके एग्जाम में जो आता है आपको अभी से ही पता है। क्यों, क्योंकि बहुत ही रिपीट होता है। कोई बोलता है कि सर ब्रेन का वो बना दो, सचित्र वर्णन कर दो, 6 नंबर फेंक के दे देंगे आपको, तो भाई वही तो है इस पूरे आपके जो बायोलॉजी पोर्शन में आपको मस्तिष्क का आपको संरचना बना देना है, किसी का तंत्रिका के बारे में पूछ देगा, तो इस सब के क्वेश्चन जो है धमनी और सीरम अंतर ये सब क्वेश्चन जो है आपको बनाने नहीं आ जाएगा, जब हम पढ़ाएंगे अच्छे से तो आपको बनाने ही आ जाएगा और आपको मिल जाएगा क्या बच्चों, टोटल 8, 13 हो गया 21, 7, 25 नंबर आपको मिल जाएगा, सॉरी 21, हाँ 21 इधर हुआ और ये आपका 4 नंबर, टोटल 25 नंबर आपको कहां से मिल जाएगा, आपको टोटल 25 नंबर मिल जाएगा बायोलॉजी पोर्शन से। चलो हाँ, और ये चैप्टर नंबर क्या है बच्चों, चैप्टर नंबर 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, इससे एकदम लड्डू क्वेश्चन आता है हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। अब पर्यावरण बोलते ही समझ में आ गया, जो आपके आसपास में जो पर्यावरण में मौजूद है उससे क्वेश्चन आता होगा सर, भाई वही तो है, इससे बहुत ही हलवा क्वेश्चन आता है बच्चों। कितने नंबर का आता है देख लेते हैं, इससे जो है आपको 2 प्रश्न मिलेगा एक एक नंबर का, आज छुट्टे पूछ दिया, और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर आने वाला है आपके इस वाले यूनिट से, जिसको मैं बताऊंगा आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, सबसे लास्ट में क्या आपके बायोलॉजी पोर्शन में आऊंगा तब, ठीक है। पहले मैं रसायन शास्त्र से स्टार्ट करूंगा और खत्म करूंगा बायोलॉजी पोर्शन से, जो सबसे लास्ट यूनिट है क्या हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो बात कर रहा था मैं पहले यूनिट की, सॉरी यूनिट नंबर 7 की, जिसे पहला यूनिट बोल सकता हूँ बायोलॉजी का ना, तो इसमें क्या पता चला मुझे कि सर चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 15 से जो क्वेश्चन आ रहा है वो टोटल नंबर आप कितना आएगा, नंबर 8 नंबर से आएगा, तो मैं कैसे चलूंगा भाई, उससे पता चला है मुझे कि एक नंबर का एक प्रश्न पूछ रहा है, 2 नंबर का पूछ ही नहीं रहा है, 3 नंबर का एक प्रश्न पूछ रहा है, मतलब ये समझ में आ गया सर कि 3 और 1 4 हो गया, और मुझे पता चल रहा है 4 नंबर का एक प्रश्न, मतलब 4 4 8, मतलब ये टोटल नंबर कितना नंबर से आ रहा है, 8 नंबर का अगर प्रश्न आ रहा है तो मैं बात करूंगा इसमें क्या बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, छोटा क्वेश्चन से ही बात नहीं बनेगी, मुझे बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, किसको बायोलॉजी पोर्शन का ये जो यूनिट है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसमें भी ध्यान देना है। मतलब अब ये वो सोचोगे कि सर यहाँ तो हर एक यूनिट को आप डिस्कस कर रहे हो, बोल रहे हो कि इग्नोर नहीं करना करके, तो भाई अगर आपका लक्ष्य है 75 में 75 लाने का तो क्यों इग्नोर करोगे भाई, आपको सब चीज लेके चल रहा है और अच्छे से चल रहे हैं, हम कराएंगे आप तैयार रहिए बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ दूसरे यूनिट की, इसमें आपको जो जबरदस्त और स्कोरिंग अगर कोई यूनिट है तो वो है आपका यूनिट नंबर 8, जिसके अंतर्गत आपको 3 जो चैप्टर मिल रहा है वो कितने नंबर का प्रश्न दे रहा है, 13। कैसे कैसे देता है सर, तो वो दे रहा है 1 नंबर का एक प्रश्न दे रहा है, 2 नंबर का एक प्रश्न, कितना हुआ बच्चों 2 1 3 3 हुआ। अब वो बोलता है कि 4 नंबर का मैं एक प्रश्न दूंगा बोलता है उस यूनिट से, तो क्या करेगा, कभी इस चैप्टर से उठा देगा 4 नंबर का प्रश्न, कभी इस चैप्टर से उठा देगा 4 नंबर का प्रश्न, कभी इस चैप्टर से उठा देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, क्योंकि हम कराएंगे इसको अच्छे से, और ये जो है एक बार अच्छे से पढ़ लिया बच्चों, एक बार जब अच्छे से फ्लो में आ गए तो आपको 13 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, किसी भी हाल में आप 13 नंबर में 13 नंबर लाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। फिर अब एक प्रश्न आएगा जो कि रहेगा कितने नंबर का बच्चों, जो कि रहेगा 6 नंबर का, कितने नंबर का 6 नंबर का, किससे इस वाले यूनिट से 8वां नंबर। क्या समझे बच्चों कि सर मुझे 1 नंबर और 2 नंबर का प्रश्न मिल गया, 4 नंबर का प्रश्न भी मिल गया, है ना, कितना हुआ 4 1 5 6 7, और 7 और 6 होता है कितना बच्चों, 7 और 6 होता है मेरा 13 नंबर, और 13 नंबर मिल रहा है मुझे कहां, यूनिट नंबर 8 से,
क्लियर हुआ। यूनिट नंबर 8 से आपको कितने मिल रहा है, 13 नंबर का जुगाड़ हो गया, 13 नंबर मिल गया आपको, मान के ही चलो, बस पढ़ना बाकी है ना। फिर लास्ट यूनिट के बारे में चर्चा ही किया था, तो क्या समझे बच्चों, हमारा रणनीति क्या बोलता है कि हम चालू करेंगे रसायन शास्त्र से, खत्म करेंगे जीव विज्ञान में, और बारी बारी चलेंगे, और सब जो है, सब जो चैप्टर है, सब यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा जो आपके शतरंज है बच्चों, शतरंज में हर एक जो आपके पास प्यादा है, घोड़ा है और आपके ऊंट है, वो हर कोई जो है बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजा को बचाने के लिए सिर्फ ऊंट ही काम नहीं आता, सिर्फ घोड़ा ही काम नहीं आता, आपके प्यादे है वो भी बहुत काम आते हैं। शतरंज से एक चीज आपको बिल्कुल सीख लेना चाहिए बच्चों। उसी प्रकार आपको चैप्टर जो है, जितना भी चैप्टर दिया है वो फालतू को नहीं दिया हुआ है, उसको अच्छे से चलना है, उसको अच्छे से समझना है, उसको अच्छे से क्या करना है, रीड करना है, समझना है और आगे बढ़ना है, और प्रिपरेशन के लिए हर एक चैप्टर को फोकस करना है बच्चों। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट जरूर पोर्शन है, मतलब पोर्शन है और जितने भी क्वेश्चन है उसको आप क्या करोगे, उसको ज्यादा ध्यान दोगे और कुछ को कम ध्यान दोगे, लेकिन फिर भी सबको लेके चलना है। प्यादे को कुर्बानी देकर कभी ऊंट से आप क्या करो, दोस्ती कर लो, ऐसा वाली बात नहीं करना है। प्यादे की कुर्बानी कभी कभी जरूरत है, लेकिन फिर भी आपको अगर बचाना है राजा को, तो पूरा प्यादा और पूरा ऊंट और आपके वजीर सबको लेके चलना है, तब जाकर आपको 75 से 75 में आने की जो आपको जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा बच्चों। क्लियर हुआ? तो यहां तक मैं बता दिया आप क्या स्ट्रेटजी हमारा और कैसे चलना है, बस आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए, और जितने भी आपको डाउट्स होते हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताते रहिए बच्चों, ताकि हमें भी समझ में आए आपको कहां पर दिक्कत हो रही है और कैसे हम जो है आगे आपके डाउट को क्लियर करें और कैसे इस पर वीडियो बनाएं, इस पर आपको अच्छे से हमें समझ में आएगा जब आप हमारे कमेंट करेंगे, हमें कमेंट करेंगे और हमसे जुड़ेंगे। तो बच्चों जो शतरंज से जो सीख मिली उसको बिल्कुल याद रखिए, हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज को पढ़ के चलना है आपको और अच्छे से तैयारी करना है। तो बच्चों हम मैं कहना चाहूंगा कि हम शुरुआत यहीं से दिए हैं, बस हम जो है चिंगारी लगा दिए हैं, आग आपको लगानी है, तो आग लगानी है आपको अगर, तो बस मेहनत करते जाना है आपको, तो मेहनत करने के लिए हम शुभारंभ कर दिए हैं बच्चों, हम जो है आपका शुरुआत कर ही दिए हैं, बस आपको हमसे जुड़े रहना है और बने रहना है और डट के मेहनत करना है बच्चों। तो मैं यही आस और विश्वास के साथ यही कहना चाहूंगा कि अब अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, अगर नहीं भी किए होंगे तो जुड़ जाइए, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, लग जाइए हमारे साथ, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़िए हमारे दिए गए नंबर पे, जो क्या है आपका जो नंबर है उसमें कॉल करिए, और कुछ भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे एग्जाम सीरीज जो मिशन 2023 है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए लाया गया है, और आपको ध्यान में रखते हुए हमारे सभी फैकल्टीज लगे हुए हैं बच्चों। तो मैं यही कहना चाहूंगा अंत में कि आइए जुड़िए और डट की मेहनत करिए। आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, मिलते हैं आप चैप्टर वाइज डिस्कशन में, धन्यवाद।